वेलकम बैक। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि एमक्यूएम के लिए आजकल बुरे दिन हैं, लेकिन आज का दिन एमक्यूएम के लिए बुरा नहीं था बल्कि एक अच्छा दिन है। और तवील अरसे के बाद मजबूती तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए मुल्क के बाहर और मुल्क के अंदर एक अच्छा दिन रहा। मुल्क के बाहर लंदन में, जहां जनाब अल्ताफ हुसैन आज एक बार फिर बरतानवी पुलिस के सामने, स्कॉटलैंड यार्ड के सामने पेश हुए, एक बार फिर उनके साथ घंटों के सवाल जवाब हुए और एक बार फिर ये इम्कान रद्द हुआ कि शायद आज उन पर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, क्योंकि आज एक बार फिर पुलिस ने उन्हें मजीद चार माह के लिए जमानत दे दी। इसका मतलब ये कि जनाब अल्ताफ हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से फिलहाल कोई मसला नहीं है। आइंदा चार माह तक मनी लॉन्ड्रिंग ही वो केस है जिसमें बाकायदा जनाब अल्ताफ हुसैन को पुलिस की पेशी भुगतनी पड़ रही है, लेकिन इस मामले में आज पांचवीं बार उनको जमानत दी गई। इस मामले का आगाज पिछले साल जून में हुआ था जब पहली बार उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था, और ये अमल पिछले साल से लेकर अब तक चार बार दोहराया गया है। मुल्क के बाहर यकीनी तौर पर यह इत्मीनान का माहौल था जनाब अल्ताफ हुसैन के लिए भी और वहां पर मौजूद उनके दूसरे साथियों के लिए भी। मुल्क के अंदर भी एक बेहतर सूरत हाल थी। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दिए गए इस्तीफों पर के हवाले से पार्लियामेंट में जो इस्तीफे दिए गए थे, एक अहम दिन था। आज चेयरमैन सेनेट जनाब रजा रब्बानी ने उन इस्तीफों के बारे में अपनी रूलिंग देनी थी जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सेनेट में जमा कराए थे। आज जनाब सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि उनके वो इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे और इसे फौरी तौर पर कबूल नहीं करने का फैसला किया गया। जनाब सेनेटर अजहर अब्बानी की जानिब से कहा गया कि ये इस्तीफे कबूल करने की वजह नहीं है, क्योंकि ये देखना भी ज़रूरी है कि इसमें कहीं धमकी तो नहीं दी गई है या दूसरे मामलात तो नहीं हैं। जनाब सेनेटर अजहर अब्बानी की जानिब से इस्तीफों को मुस्तरद कर देना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि वो पार्लियामेंट में अब भी मौजूद है, वो के इस्तीफे दिए जा चुके हैं और पार्लियामेंट की चौथी बड़ी सियासी जमात है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बल्कि ये कहा जाए तो भेजा ना होगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जो ये नहीं चाहती कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अराकीन पार्लियामेंट से चले जाएं और इसके नतीजे में सिंध के शहरी इलाकों में ज़मीनी इंतखाबात हों, मुल्क में एक सियासी किला पैदा हो। पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस इम्कान को मुस्तरद कर रही है। यही वजह है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन सेनेट ने एमक्यूएम के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए, और ये कहा जाए तो भेजा ना होगा कि इस्तीफे मुस्तरद करके इस्तीफों के हवाले से फिलहाल उन्होंने बाब भी बंद कर दिया है। इसी दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत आगे बढ़ती हुई लाहौर हाई कोर्ट के उस रूलिंग के खिलाफ जिसके जरिए जनाब अल्ताफ हुसैन का मीडिया ब्लैकआउट अनाउंस किया गया था, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है। वहां पे नजरसानी की दरख्वास्त पेश की गई है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सरबरा मोहतरमा असमा जहांगीर। इस लिहाज से आज ये तीन बड़ी अहम पेशरफ्त है जो एमक्यूएम के हवाले से हुई है। मजमूई तौर पर यह इत्मीनान बख्श पेशरफ्त की जा सकती है आज कल के हालात के पस मंजर में एमक्यूएम के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। उसके लिए आज कोई परेशानी की खबर नहीं थी, ये एमक्यूएम के लिए बेहतर खबर होती है। लंदन में क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए हम जाते हैं लंदन, जहाँ पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ अजहर जावेद। अजहर जावेद, बताइएगा कि आज क्या हुआ इस अदालत में, इस पुलिस के सामने जहां पर जनाब अल्ताफ हुसैन पेश हुए, जिस थाने में वो पहुंचे थे, वहां पे क्या हुआ, आज की कार्रवाई के हवाले से क्या इत्तला है हमारे पास? जी, एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक मरतबा फिर पेश हुए सदक के पुलिस स्टेशन में। सदक पुलिस स्टेशन में तकरीबन 5 घंटे तक वो रहे। इस दौरान उनसे तफ्तीश की गई मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ दस्तावेजात मुहैया की गई थी बरतानवी हुकूमत को, और उस हवाले से भी बात हुई। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को वकील की सहूलत मुहैया की गई थी जो कि पूरी तफ्तीश के दौरान उनके साथ रहा। स्कॉटलैंड यार्ड के 3 अफसरान जो थे इस तफ्तीश के दौरान मौजूद रहे, जिसके दौरान एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने सवालात के जवाब दिए। ये मुकदमा अब जो है 16 फरवरी तक इसकी जो एक्सटेंशन की गई है एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की जमानत की, और 16 फरवरी को वो दोबारा इस मुकदमे में यहाँ इसी पुलिस स्टेशन में हाजिर होंगे। क्या हम कह सकते हैं कि पुलिस के पास आज इतना मटेरियल नहीं था, इतना एविडेंस नहीं थी कि बाकायदा चार्जेस फ्रेम किए जाते जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? जी कामरान साहब, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस काफी पेचीदा होते हैं यहाँ पर बरतानिया में,
और उनकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबा अरसा रहती है। जो हमारी यहाँ पे माहरीन कवानीन और जो हमारे सोर्सेज हैं यहाँ पर, उनसे भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो ये केसेस हैं इनमें पुलिस ये यकीनी बनाना चाहती है कि उन्होंने जो भी एविडेंस इकट्ठे किए हैं वो अदालत में साबित किए जा सकें, इसी वजह से कुछ टाइम लगता है। जबकि इस केस में हमें सोर्सेज ये बताते हैं कि तकरीबन 100 से जायद ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस केस में काम किया है, उनकी फाइंडिंग्स इस केस में मौजूद हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो दस्तावेजात मुहैया की गई हैं उनको भी वेरीफाई करने में कुछ टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज़र जावेद हमारे साथ मौजूद थे। ये तो लंदन का अहवाल है जहां पर जनाब अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के लिए कोई परेशान कुन इतला नहीं है। जनाब अल्ताफ हुसैन अब मजीद 4 माह तक जमानत पर रहेंगे और अब फरवरी के महीने में वो दोबारा इसी थाने में पेश होंगे और देखना यह है कि उस वक्त क्या पेशरफ्त होती है। लग नहीं रहा कि बरतानवी हुकूमत या लंदन पुलिस इस वक्त उसके पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि बाकायदा फर्द जुर्म जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आयद की जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मजमूई तौर पर एमक्यूएम के लिए बेहतर दिन था। आज उनके इस्तीफों के हवाले से भी एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन सेनेट जनाब सेनेटर रजा रब्बानी ने एमक्यूएम के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए हैं और इस तरह से वो इम्कान ख़त्म हो गया है कि पार्लियामेंट में खला पैदा होगा, पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर हो जाएगी और सिंध के शहरी इलाकों में एक सियासी तूफान पैदा होगा ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रुकन जनाब सेनेटर एतजाज़ अहसन ने। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि आज रजा रब्बानी साहब की रूलिंग आ गई। इससे पहले हमने तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का भी मामला देख लिया था, उसमें ये कहा गया था कि बराह रास्त अराकीन ने इस्तीफे नहीं दिए। यहाँ पर एमक्यूएम के अराकीन सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट पे अपने हाथ से इस्तीफे दे के आए हैं, उसके बावजूद इस्तीफे कबूल नहीं किए जा रहे। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसा लगता है कि इस्तीफे जो हैं वो कबूल होना मुश्किल है। एक बार आप मेंबर हो गए तो आप रहेंगे, कम अज़ कम इस्तीफे के जरिए आप पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाते। नहीं कामरान साहब, जो चेयरमैन रजा रब्बानी साहब ने रूलिंग आज दी है ये बड़ी करीने कानून है और उसकी वजह ये है कि इस पे इस्तीफों पे सुप्रीम कोर्ट के खुद फैसले हैं बहुत से, और बिलखसूस आपको याद होगा कि 1993 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को सदर इसहाक खान मुतजलजल कर रहे थे तो उन्होंने इस्तीफे ले लिए थे कोई 82 एमएनए से जो नवाज शरीफ की अपनी जमात से मुतालिक थे, उनसे इस्तीफे ले लिए थे। हर एक ने इस्तीफा दे दिया था कि इस ख्याल से कि ये एक 58(2)(b) के हुक्म के इजरा का जवाब बन जाएगा कि इनकी तो अपनी जमात में ही, वजीर आजम की जमात में ही बगावत हो गई है। उस पे जब नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया गया 18 अप्रैल 1993 को तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला जो नवाज शरीफ वर्सेस दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान था। उस पे फैसला जो आया वो 12 जजेस का फैसला था जिनमें से 11 इससे मुत्तफिक थे, एक सज्जाद अली शाह साहब जो बाद में चीफ जस्टिस भी हुए वो उन्होंने उससे इख्तलाफ किया 11 जजों के फैसले पर। 11 जजों ने इस्तीफों पे सेर हासिल बात की और कहा जहां मजमूई तौर पे इस्तीफे दिए जाते हैं वहां जरूरी नहीं कि इस्तीफा इस इरादे से दिया गया हो कि उससे सीट को छोड़ना मंशा हो मेंबर का। सो इसलिए इसकी तस्दीक करना या वेरिफिकेशन करना, जैसे चेयरमैन रजा रब्बानी ने कहा, वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है ये कानूनी अवामिल और कुछ जाब्तों के अवामिल का आपने जिक्र किया है लेकिन मजमूई तौर पे ये तासुर नहीं है सियासी क़यादत में कि मुल्क की चौथी बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर होगी, खिला पैदा होगा और फिर एक सियासी तूफान होगा ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में, तो ये दरअसल मजमूई तौर पर सियासी निज़ाम को किसी बड़े खतरे से बचाने की एक कोशिश है।
जी ये खुद चेयरमैन ने अपने फैसले में ही इसका हवाला दिया है कि एक ये सेनेट जो है मिसाल के तौर पे ये वफाक की नुमाइंदगी करता है और वफाक के हर रीजन की नुमाइंदगी करता है, तो इसमें एक खास मखसूस सोच रखने वाले और सियासत रखने वाला ग्रोह पूरे का पूरा ही उसकी नुमाइंदगी खत्म हो जाए, तो ये इससे कोशिश करनी चाहिए गुरेज की और इजतनाब की। लेकिन चेयरमैन ने एक चीज उसमें रखी है, पैरा 18 की आठवीं क्लॉज में, पैरा 18 की जेली क्लॉज 8 और 9 जो है वो उनमें उन्होंने यूं कहा है कि ये इस्तीफे इस वक्त मुअत्तल है, मतलब है सर्द खाने में पड़े हैं, लेकिन अगर 40 वर्किंग डेज जो काफी होते हैं आईन के तहत एक मेंबर को अनसीट करने के लिए, अगर 40 सेनेट के वर्किंग डेज पे वो हाजिर नहीं होता और वो इस्तीफे वो हाउस में नहीं आता मेंबर जिसने इस्तीफा दिया है, तो फिर चेयरमैन पाबंद होगा उस स्पीकर उस इस्तीफे पे एक्शन लेने का। यानी कि अब से 40 दिन, क्योंकि 40 दिन तो पहले तो हो चुके हैं उनके जब उन्होंने इस्तीफे पेश किए थे, के 40 वर्किंग डेज मुझे इल्म नहीं है कि वो हुए हैं कि नहीं हुए, जब से इस्तीफे दिए थे सेनेट का एक इजलास तो 5 दिन का था, एक इजलास कुछ 20 दिन का होगा, मुझे इल्म नहीं है कितने दिन हुए हैं, पर चेयरमैन ने खुद अपने ऊपर एक जो जिम्मेदारी लगाई है और एक मियाद का तय्यन किया है वो सेनेट के 40 वर्किंग डेज, जो सेनेट यानी सेशन 40 सिटिंग्स जिसमें वो हाजिर नहीं होता, 40 सिटिंग्स हो गई जिसमें वो, उसमें वीकेंड काउंट नहीं होगा, हफ्ता इतवार काउंट नहीं होगा, जिस दिन सिटिंग होगी उस दिन वो गैर हाजिर रहे, 40 दिन वो गैर हाजिर रहे, तो फिर ये तसव्वुर शायद किया जा सकता है कि ये वाकई इस्तीफे में सीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर एतजाज़ अहसन हमारे साथ थे और उन्होंने बताया, तफसील से बताया कि ये इस्तीफे क्यों कबूल नहीं किए गए, और फिर उन्होंने कहा कि सेनेट चेयरमैन ने अपने ही फैसले में लिखा है कि अगर 40 सिटिंग्स यानी कि 40 इजलास सेनेट के हों, हफ्ता इतवार उसमें शामिल नहीं है, उसमें अगर ये अराकीन शामिल नहीं होते तो फिर ये इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे, शायद यही उसूल का इतलाक होगा कौमी असम्बली में। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें अरसा आ गया है और देखना यह है कि इस दौरान इस मसले का कोई हल निकलता है या नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से आज, उसके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से आज बेहतर दिन था लंदन में भी और इस्लामाबाद में भी, जहां पर एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है MQM अपनी अपील लेके लाहौर हाई कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ, जिसके जरिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन का मीडिया ब्लैकआउट ऑर्डर किया जा चुका है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोहतरमा आसमा जहांगीर, डॉक्टर खालिद रांझा MQM के जब केस पेश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन के लिए कोई रिलीफ फराहम करती है या नहीं, और अगर वो फराहम होता है तो फिर MQM के लिए शायद आसान हो कि वो पार्लियामेंट में वापस जा सके। पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात के हवाले से आज का बेहतर दिन, इस पर क्या हमारा तफसीली अहवाल, लेते हैं कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध और सिंध में तालीम का जो हाल है, हम इसको इसका अहवाल आपको अपने इन प्रोग्राम्स में देते रहे, लेकिन आज जो हकायक और जो आदाद शुमार हम आपके सामने पेश करेंगे उसको होशरबा तो हम कह सकते हैं, ख़तरनाक भी हैं, और यही वजह है कि जनाब खुर्शीद शाह जो सिंध में सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, आज तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए सिंध की तालीमी सूरत हाल के हवाले से, इल्तिजा कर रहे थे वो कायम अली शाह से, वज़ीर आला से, तो पूरा अहवाल आपको देंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हुकूमत सिंध से इल्तिजा है, गुजारिश है, अपील है, बैठे और अपने एजुकेशन को देखे फैसला करें। एजुकेशन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते।
हुकूमत सिंध की बात हो और यहाँ पे बद इंतजामी, करप्शन और अफतरवा परवरी की बात ना हो तो बातचीत मुकम्मल नहीं हो सकती। कोई भी इदारा हो जिसका ताल्लुक हुकूमत सिंध से हो, अब तरीका और अफरा तफरी का शिकार नजर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दुखता है, हालत जहाँ सबसे खराब है वो महकमा तालीम है। तालीम के मामले में सिंध दूसरे सूबों से पीछे रह रहा है। अगर अखराजात को देखा जाए तो पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबों में अखराजात की कोई कमी नहीं है। पिछले 7 साल के दौरान एक सरकारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 6 अरब रुपए सिंध के तालीमी बजट के लिए खर्च किए जा चुके हैं। तालीम में मुख्तलिफ हवालों से 6 खरब रुपए पिछले 7 सालों में खर्च किए गए हैं और सालाना बजट 49 अरब से बढ़कर 140 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन सिंध में जिस तरह से तालीमी इदारों की तबाही है, तालीम के निज़ाम से मुंसलिक टीचर्स की तबाही है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तबाही का शिकार है, यकीनी तौर पर वो एक ऐसी ही सूरत हाल है जिसका कुछ झलक भी आपने सैयद खुर्शीद शाह साहब जिनका ताल्लुक सिंध से है, जो खुद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है, जिन्होंने इसका इजहार किया है। हुकूमती सिंध हुकूमत के अपने ही आदाद शुमार, अपनी ही रिपोर्ट्स इस भयानक के सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। होशरबा हकाइक है जो सामने आए हैं। 3 रिपोर्ट्स हैं, सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान 2008 से 2014, सालाना स्कूल सेंसिस 2014-2015 और स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट जो कि किए गए हैं, उसने भांडा फोड़ दिया है इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे तालीमी हवाले से। इतने तमाम खर्चों के बावजूद, सूरत हाल के बावजूद, इस वक्त सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार 22% जो हुआ करता था 7 साल पहले, कम होकर 20% रह गया है। और इसी हवाले से जो सूरत हाल है हर तरह से ख़राब हो रही है, उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। इन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सूबे के 46,039 स्कूलों में 6,140 स्कूल बंद पड़े हैं। 6,000 से जायद स्कूलों की इमारतों को खतरनाक करार दिया जा चुका है, जबकि 18,000 इमारतों में शदीद मरम्मत की ज़रूरत है। 8,280 स्कूलों की छत नहीं है, जबकि 44% यानी 19,000 स्कूलों की 4 दीवारी नहीं है। 62% यानी 28,760 स्कूलों में बिजली नहीं है। 46% यानी 21,102 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। 53% यानी 23,315 स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। 99% यानी 45,000 से ज्यादा स्कूलों में साइंस लेबोरेटरी ही नहीं है। 75% यानी 38,000 स्कूलों में प्लेग्राउंड नाम की कोई चीज नहीं है। 17,923 स्कूलों में सिर्फ 2 क्लासरूम हैं, जबकि 8,920 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ 1 कमरे में काम कर रहे हैं। ये है सूरत हाल। एक मामूली सा जो आपको आदाद शुमार का एक जो फहरिस्त हमने आपके सामने पेश की है, इसके अलावा है कि किस तरह से यहाँ टीचर्स को भर्ती किया जाता है, किस तरह से रिश्वत लेके टीचर्स की भर्ती होती है, किस तरह से उनको ज़रूरत से सैकड़ों गुना ज़्यादा भर्ती कर लिया जाता है, उसके बाद जो तालीम का हाल है, जिस तरह से इम्तहानों में नकल होती है, किस तरह से बोर्ड के इम्तहानों में खुलेआम नकल हो रही होती है, बोर्ड का निज़ाम कैसे चल रहा है। मार्च अप्रैल में यहाँ पे मैट्रिक के 9th और मैट्रिक के एग्ज़ाम हुए थे, आज अक्टूबर में हम दाखिल हो गए हैं, रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ये कैफियत है। शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के देरीदा रुकन, इंतहाई सीनियर रुकन, आज के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद खुर्शीद शाह इसी सूरत हाल की अक्कासी कर रहे हैं। ये कोई हिज़्ब इख्तिलाफ़ नहीं, पीपल्स पार्टी की अपनी आवाज़, सुनिए। मैं अपनी हुकूमत पे पहले तनकीद करता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है। एजुकेशन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। कितनी शर्म की बात है कि आज भी हमारे बहुत बड़े तादाद में स्कूल्स बंद पड़े हैं। ये सिंध पीपुल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पीपुल्स पार्टी पे यहां के लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी है शहीद भुट्टो के लिए। अब हुकूमत को चाहिए कि अब अपने बच्चों के लिए कुछ करे। मैं कामिल शाह साहब से कहता हूं कि आप सारा कुछ बंद कर दें, इस मुल्क की एजुकेशन और हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दें। यह मेरी इल्तिजा है आपसे, हुकूमत सिंध से इल्तिजा है, गुजारिश है, अपील है कि खुदारा एक मीटिंग बुलाएं, बैठे और अपनी एजुकेशन को देखें, फैसला करें।
सैयद खुर्शीद शाह ने सब कर लिया, हाथ नहीं जोड़े, हाथ जोड़ के देख लें सैयद कायब अली शाह के सामने, शायद उनके कानों पे जू रेंग जाए। इस पूरी सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे खसूसी अख्तियार खोकर ने, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तियार खोकर। ये 7 साल की जो तबाही की सूरत हाल है, ये 7 के 7 साल पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत रही है, और ये सिंध उनका सूबा है, और यहाँ पर ये तालीम की सूरत हाल, इसकी बड़ी वजह क्या है, क्यों फिक्र नहीं है तालीम की? ठीक है दूसरे डिपार्टमेंट्स की नहीं है, करप्शन नहीं है, लेकिन तालीम ये तो एक अपने पाँव काटने वाली बात है, अपनी गर्दन काटने वाली बात है, आखिर क्या वजह है, ये सूरत हाल क्यों ऐसी है? जी कामरान साहब, ये जो रिपोर्ट्स हैं सिंध हुकूमत की, महकमा तालीम की अपनी रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये हकायक बताए गए हैं, और इन रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि क्या असबाब हैं। जैसे स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट का जिसका आपने हवाला दिया, ये IBA सख्त से टेस्ट कराया गया, इसमें आया है कि पिछले 33 साल से 20 से 22% मयार तालीम जो सूबे के सरकारी स्कूलों का आ रहा है, और उसमें उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि असल जो सबसे बड़ी सबब है, सबसे बड़ा सबब है वो है सियासी बुनियाद पर असाज़ा की भर्तियाँ, करप्शन, बेड गवर्नेंस और वसाइल का जो है दुरुस्त इस्तेमाल ना होना, और एजुकेशन के जो असाज़ा हैं उनका मयार तालीम जो है वो इंतहाई गिरा हुआ, यानी कि उनके अब एजुकेशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि 95% असाज़ा जो ट्रेनिंग शुदा हैं, उन्होंने ट्रेनिंग के कोर्स किए हुए हैं, लेकिन मयार ये आ रहा है कि वो 20 से 22% से ज़्यादा लोगों को तारीम मयार शागिर्दों को और तलबा को दे नहीं सकते। जी ये बताइएगा कि अभी तक ये सैयद खुर्शीद शाह जैसे शख्सियत जो है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, इतनी सीनियर लीडर है, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी खुद भी इस चीज़ से आगा है, एक एक चीज़ से आगा है। हमें तसव्वुर होना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि अब पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी इस चीज़ से आगे है, लेकिन कुछ क्यों नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसका बुनियादी सबब जो कमर साहब नज़र आ रहा है ना, वो विल का नज़र आ रहा है, और क़यादत जो है जो सारे मामलात को डील कर रहे हैं और सारे मामलात को जो कमांड कर रहे हैं उनके यहाँ से एक विल और चेन ऑफ कमांड का भी इशू है, और उसके अलावा दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि महकमा तालीम के अंदर जिस तरह से जो एकदम मतलब वो जो 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 दिलचस्पी होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही, वसाइल तो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं लेकिन उन वसाइल का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आप अंदाज़ा लगाएं कि स्कूलों में जो है मिसिंग फैसिलिटीज़ का जिसका आपने जिक्र किया, हर साल तकरीबन 5 से 6 अरब रुपये खर्च हो रहे हैं, और पिछले 10 साल से अगर हम हिसाब लगाएं तो हर साल 5 से 6 हज़ार स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ के ये मनसूबे बनते हैं, और इस वक्त तक तकरीबन सिर्फ इन मिसिंग फैसिलिटीज़ पर 50 से 60 अरब रुपये खर्च हो गए हैं, और अगर 5-6 हज़ार हर साल स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ ठीक होती हैं तो ये 60 हज़ार स्कूल बनते हैं, लेकिन अभी भी मिसिंग फैसिलिटीज़ अगर पूरी नहीं होती तो इसका मतलब ये कि इसमें एक बहुत बड़ा फुकदान है जिसमें करप्शन का भी इशू है, गवर्नेंस का भी इशू है, उस गवर्नेंस को ठीक करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तियार खोकर हमारे साथ थे, सरकारी मौक़िफ़ भी हासिल कर लेते हैं, महकमा तालीम सिंध इस सिलसिले में क्या कर रहा है, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है फजलुल्लाह पीछियो ने जो कि सूबाई सेक्रेटरी तालीम हुकूमत सिंध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पेचियो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, आप खुद सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के और एक अच्छे खासे अरसे से 2.5 साल से आप सेक्रेटरी हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो इस डिपार्टमेंट की सूरत हाल है और जो अभी हमने आदाद शुमार किए और खुद जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है खुर्शीद शाह साहब उन समय तमाम लोग जो है वो इससे आगे, आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है कि क्यों इस कैफियत से गुजर रहा है ये डिपार्टमेंट जो है तालीम का हुकूमत सिंध का? देखें कामरान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो मुझे आपने ऑनलाइन लिया हुआ है, और उसके वजूहात काफ़ी हैं, उस पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे हम लोग तो पता चलेगा, मुझे जो 40 सालों का बैगेज मिला है, जो हमने 40 सालों से नॉन मेरिटोरियस रिक्रूटमेंट किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसका आज खमियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। लेकिन पीछे साहब 40 साल तो नहीं, ये जो पिछले 2 साल में नॉन मेरिटेरियस हुई है उसी को देख ले, पिछले 3 साल में जो हुई है उसी को देख ले, जिस तरह से अभी पिछले 7 सालों में क्या कोई मेरिट पे टीचर्स भर्ती किए गए, क्या मेरिट पे डिपार्टमेंट को देखा गया है? चले अभी पिछले 5-7 साल में आप कह सकते हैं कि मेरिट पे किया गया है? नहीं, पिछले 3 सालों में हमने NTS से रिक्रूटमेंट की है, उनकी क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी है, A1 क्लास की क्वालिटी है, जो मेरिट पे पिछले 3 सालों में असातिज़ा को भर्ती किया गया है,
लेकिन मैं अगर 2012 से पीछे जाऊंगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। उसमें काफ़ी बेतहाशा नॉन मेरिटोरियस रिक्रूटमेंट हुई हैं जिसको डिपार्टमेंट ने आज तक नहीं माना, और उसमें बेतहाशा लोगों की तनख्वाहें भी बंद की गई हैं। मसला ये है कि आपने जैसे ज़िक्र किया 49,000 स्कूलों का, और ये उसमें 80 से 90% के बीच में हमारे सिंगल रूम स्कूल्स हैं। अच्छा, सिंगल रूम स्कूल्स बनाने की ज़रूरत क्या थी? ये फरमाइशी प्रोग्राम था सिर्फ बड़े लोगों का, जो 40 सालों में इक्तदार में चले आ रहे थे। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि एक गांव में कितने स्कूल्स की गुंजाइश है। अगर पापुलेशन उस गांव में 1,000 की पापुलेशन है तो उसमें 2 स्कूल काफ़ी हैं, सिंगल रूम स्कूल्स काफ़ी हैं। जहां 6-6 स्कूल खोल दिए वो कहलाएंगे नॉन वायबल स्कूल। लेकिन नॉन वायबल स्कूल के हाल पे अब ठीक है, जितना चाहे हम मातम कर लें, आइंदा के लिए क्या फार्मूला है आपके पास, क्या कर रहे हैं इसको कुछ बेहतर करने के लिए? इस पे तवज्जो दी जा रही है, ऑफ लोड कर रहे हैं। हमें जो इन्वेंट्री मिली है, बेकार इन्वेंट्री मिली है, उसको ऑफ लोड कर रहे हैं। जो हमारे टीचर्स हैं, 60% से ज़्यादा जो टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, मेरे पास 100,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, उसमें से 60% अनट्रेनेबल हैं, जो 40 सालों से हमने भर्ती किया हुआ है उनको। तो उस बैगेज को ऑफलोड करना है, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो गोल्डन हैंडशेक दिया जाए, मतलब आप फरमा रहे हैं कि 1,00,000 टीचर जो इस वक्त सिंध में है, 60,000 किसी काबिल नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? एग्रीड, बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ, वसूख से कह रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने इंटरेक्शन किया हुआ है टीचर्स के साथ, टीचर यूनियन के साथ इंटरेक्शन किया हुआ है, ये बिल्कुल अनट्रेनेबल लॉट है। मिसाल दे रहा हूँ मैं नवाबशाह की, वहाँ पे हमने कोई 200 टीचर्स, हमने उनका टेस्ट लिया जिसमें 80% उस बेसिक टेस्ट में फेल हो गए। तो अब आप ये देखें कि जो 40 सालों की मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये 40 सालों का बैगेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब फजल पेचू साहब। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तमाम आदाद शुमार हमने आपके सामने पेश की, उस पर एक नहले पे दहला खुद सेक्रेटरी पेचू साहब ने बताया कि 1,00,000 टीचर हैं इस वक्त सिंध के अंदर, 60,000 किसी काबिल नहीं है। सेक्रेटरी एजुकेशन सिंह फजल पेचू साहब ने अभी अभी कहा, उन्होंने कहा कि नवाब शाह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का शहर, वहां पे 200 टीचर्स का इम्तहान लिया, 80% टीचर फेल हो गए बेसिक बुनियादी इम्तहान में। ये असातिज़ा का हाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से इत्तदा लेनी होगी। लेते हैं खबर से ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करते हैं कराची का, और कराची का बहुत बड़ा मसला वाटर हाइड्रेंट्स हैं, वाटर माफिया। अब ये बैन अल-अक़वामी खबर बन गई है, ये लोकल या मुकामी या सूबाई खबर नहीं है, अब दुनिया की मीडिया में इसका जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़े शहर की वाटर माफिया का, वाटर हाइड्रेंट माफिया का इसका जिक्र करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में पीने का पानी का मसला एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये नहीं कि पाकिस्तान के इस बड़े शहर में पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी तो इतना है कि हर घर में पीने का पानी मिलता है, लेकिन उन लाइंस के जरिए नहीं मिलता जो बिछाई गई हैं, जिसके जरिए नल में पानी आना है। पीने का पानी मिलता है कराची वालों को वाटर टैंकर के जरिए, जो कि उन्हें खरीदना पड़ता है। ये वही पानी है जो दरअसल उनके पास उनकी लाइंस के जरिए उनके नलों में आना चाहिए, लेकिन वो उसमें आता नहीं है, और ये उनके टैंकर्स में पहुंचता है उन टैंकर्स के जरिए जिन्हें वो खरीदना पड़ता है, जिन्हें उन्हें खरीदना पड़ता है। कराची के छोटे से छोटे इलाके से बड़े इलाके तक हर कराची वाले के बजट में पानी खरीदना शामिल है। पानी खरीदने की इंतहा यह है कि कराची के अच्छे बड़े इलाकों के अंदर एक घर के बजट में तकरीबन 20 से 50,000 रुपए महाना का पानी खरीदा जाता है। यही हाल तजारती और कमर्शियल मंसूबों का भी है। पानी सबको मिलता है लेकिन खरीद के मिलता है, यही वजह है कराची शहर में एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 10 करोड़ रुपए का पानी, शहरियों का चोरी किया हुआ पानी उन्हीं को रोजाना बेचा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 3 अरब रुपए महाना और 36 अरब रुपए
सालाना की ये एक कारोबारी सरगर्मी है जिसके जरिए कराची वालों का पानी चोरी करके उन्हीं को टैंकर्स के जरिए टैंकर्स माफिया बेचती है। इस सिलसिले में तमाम कोशिशें हो गई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर छोटी अदालतों तक लोगों ने दरवाजा खटखटाया, एहकाम हुए, फैसले हुए, आवाजें दी गई, लेकिन कुछ ना बदला। बदलता भी कैसे, इतनी बड़ी माफिया है जो 36 अरब रुपए सालाना का काम करती है, कैसे मुमकिन है कि शहरियों को उनका हक मिलता। और ये सूरत हाल इस हद तक खराब हो गई है कि ये मुल्की और शहरी खबर नहीं रही, अब इसकी बैन अक्वामी मीडिया में भी जिक्र हो रहा है। वह कल के दुनिया के कई बड़े अखबारों में कराची की वाटर माफिया के हवाले से, हाइड्रेंट माफिया के हवाले से सुर्खियों में खबरें छपी हैं। कराची के पानी के इस मसले की 36 अरब रुपए सालाना की इस काली मईशत का जिक्र करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सिंध के लोकल बॉडीज के नए वजीर जनाब नासिर शाह साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अभी आपको ज्वाइन किए हुए कुछ हफ्ते हुए हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि ये शहर का एक सबसे बड़ा मसला है, इससे बढ़ के कसीर, इससे बड़ा कोई भयानक मसला नहीं है। कराची वालों का पानी उन्हीं को चोरी करके रोजाना उनको फरोख्त किया जाता है। आप कुछ कर रहे हैं, आपके जहन में कुछ है इस मसले से हल्के से निमटने का कोई तरीकाकार? जी खान साहब बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही निशानदेही की है, एक बहुत बड़ा एक माफिया है जो ये काम कर रहा है। जैसे हम पहले भी शुरू हो चुका था इस पे काम, लेकिन अब हमने 192 इलीगल हाइड्रेंट्स जो हैं उनको यहाँ बंद किया है, ख़त्म किया है। उसके अलावा 2100 जो वेरियस साइजेस के कनेक्शन थे इलीगल, उनको भी बंद किया है। और फिर एक जो 24 लीगल हाइड्रेंट यहाँ पे बताए गए, उनमें से भी 4 को हमने बंद किया है। और मैं आपसे, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, मैं आपके तवसुत से ये गुजारिश करूंगा कि हमने तो उस पर एक्शन किया, लेकिन लोअर कोर्ट्स ने कई हाइड्रेंट्स पर स्टे दिया हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वेकेट किया जाए। और हमें पुरुमीद हूँ, लेकिन शाह साहब ये बताइएगा कि वो शहरी या वो कारोबारी मंसूबे जो कि पानी खरीदते हैं, आपको पता है कि कारोबारी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साल का तकरीबन 10-10 करोड़ रुपए का सामान पानी खरीदते हैं, वो कहते हैं वाटर बोर्ड हमें पानी दे दे, लाइन से पानी दे दे, ये पैसे वो ले जाए, ये वाटर माफिया ना ले जाए। लेकिन हमें पता है कि तमाम कोशिशें बेकार हो जाती हैं उनकी। वो कहते हैं कि हमें लाइन से पानी दे दो, लेकिन वाटर बोर्ड ही नामुमकिन बना देता है उनको पानी लाइन से देने के बजाय। वो कहता है कि पानी के टैंकरों के जरिए पानी हासिल करें। ये तो बड़ा सिंपल तरीकाकार है वाटर बोर्ड की आमदनी बढ़ाने का और इस माफिया को खत्म करने के लिए। जी बिल्कुल, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें काफी लोगों को हटाया भी गया है। लेकिन एक और बहुत बड़ी हकीकत यह है कि जितना पानी चाहिए कराची को, उतना पानी अवेलेबल भी नहीं है जो हम सबको दे सकें। तो ये हाइड्रेंट्स जो शुरू किए गए थे, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इलीगल, और फिर सब सॉइल वाटर का भी आपको पता है जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे भी इलीगल तौर पे कई जगह पे ये चल रहा है। हम लोग इस पर फुल काम कर रहे हैं और इसमें हमें रेंजर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारी सिंध पुलिस ने भी, और इस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। लेकिन शाह साहब, तो पानी कानून साजी भी हो गई है, पानी तो है, पानी तो है, जबी तो हाइड्रेंट्स के जरिए पानी मिल रहा है और लोग खरीद रहे हैं वो पानी जो उनके नलकों में आना चाहिए, वो 20-20 हजार 50-50 हजार रुपए महीने का खरीद के पी रहे हैं, वो पानी तो है ना। देखिए इसी जी नहीं, लेकिन वैसे शॉर्टेज भी है अपनी जगह पे, इसलिए आपको पता है K4 का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमने आके इसको स्टार्ट करवाया है, कुछ और भी है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत माफिया इसमें इन्वॉल्व है, इस पे हमने फुल एक्शन लिया हुआ है, अब इस पे कानून साजी भी की है कि उनको सजाएं उनकी बढ़ाई गई हैं। अगर कोई इलीगल तरीके से पानी लेता था तो उस पर इतनी सजा या इतना फाइन नहीं था, लेकिन अब हमने उस पे ये पास हुआ है, हमारा कानून साजी हुई है असेंबली में कि उसकी सजा भी बढ़ाई गई है, उस पर फाइन भी बढ़ाया गया है। तो अब जब ये इस तरह के इकदामात किए हैं तो आप देखेंगे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। हम नेक नियति से और ट्रांसपेरेंट वे में काम कर रहे हैं और आप भी हमें इसमें सपोर्ट करें, निशानदेही करें। आपको क्योंकि बहुत जगह से मालूमात, इंफॉर्मेशन का आपका हल्का बहुत वसी है और आप हमें पॉइंट आउट करेंगे तो हम वहाँ भी एक्शन करेंगे। लेकिन अगर आप खुद चेक भी कर लें तो कई जगह पर हमने एक्शन किया है और 192
इलीगल हाइड्रेंट्स अभी कुछ ही अरसा पहले हमने बंद किए हैं। शाह साहब ये बताइएगा कि ये पानी के मसले के हल के लिए दो बड़े मंसूबे हैं, K4 और S3, इस पे काम हो रहा है और इसके लिए अरबों रुपए जो है वो जिस पे खर्च होंगे तकरीबन $1 बिलियन के करीब, ये शफाफ हो, ये सही पैसे खर्च हो जाएं, इसमें करप्शन ना हो, इसमें बदउनवानी ना हो, ये इतना कीमती सरमाया ज़ाया ना हो पानी के मसले हल होने के लिए, ये तो आपकी वजारत और वजीर आला वगैरह इसको देखेंगे, इसको आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें करप्शन ना हो? जी इसको बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हैं, बहुत 2007 का ये अप्रूव हुआ है, लेकिन अब हमने जाके इसको शुरू किया है और सिंध गवर्नमेंट ने अपने हिस्से के जो इसमें उन्होंने पैसे डालने थे वो दे दिए हैं और 11,000 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो भी मोहतरम कायम अली शाह साहब ने इसमें दे दी अभी कुछ ही अरसा पहले और इस पर काम शुरू हो चुका है। ये है फेज़ 1। फेज़ 2 को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैरेलल जल्दी उसको स्टार्ट करें और उसमें हमें सॉफ्ट लोन दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक वाले और एक दो और बैंक से भी बात चल रही है जिसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसमें बड़े जो आते हैं इस तरह के नेशनल और इंटरनेशनल जो काम करते हैं बड़ी फर्म्स जो हैं हम लोग उनको इसमें एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर अली शाह साहब, सिंध के सूबाई वद्दियाती वजीर हमारे साथ थे। लेते हैं कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ी परेशानी, पशेमानी का बायस, शर्मंदगी का बायस नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है। इसके लिए जनाब वजीर आजम की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो इसके असबाब को जान सके, जिम्मेदारों का तायुन कर सके। ये फिलहाल उनकी ख्वाहिश, पाकिस्तानियों का ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि जस्टिस नासिर असलम जाहिद ने इस कमीशन की सरबराही से उन्होंने सदा की है कि उन्हें इससे बर्खास्त किया जाए, वो नहीं कर सकते। ये तो क्या इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सवालों के जवाब आज नहीं तो कल ढूंढने होंगे। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा स्कैंडल नंदीपुर स्कैंडल है और मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान के ख़जाने से हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 60 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल के बावजूद 60 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट बंद पड़ा है और सूरत हाल ये है कि अगर चल भी जाएगा तो हुकूमती ख़जाने से इसको चलाने के लिए और इससे पैदा होने वाली इंतहाई महंगी बिजली के को पूरा करने के लिए हुकूमती ख़जाने से हर माह 3 अरब रुपए इसमें शामिल करने पड़ेंगे। हर लिहाज से नुकसान का सौदा है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कहा था कि वो इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे, कौम से उनका वादा था कि वो इसकी जड़ तक पहुँचेंगे और इसके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। मुश्किल मामला था और इंतहाई नाजुक मरहला था क्योंकि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से दो कैंप वाजे तौर पर नजर आते हैं। एक कैंप वो था जिसने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को मौजूदा हुकूमत में तब्दीलियाँ में आने के बाद संभाला और उसको इस काबिल बनाया बकौल उसके कि ये चल सके, दूसरा वजारत पानी और बिजली थी। एक कैंप की सरबराही वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ कर रहे थे जो हुकूमत के एनर्जी के हवाले से इंतहाई अहम तरीन शख्सियात में से एक शामिल हैं, वो एक हैं और पाकिस्तान के जो तवानाई के बड़े बड़े मनसूबे अरबों डॉलर के मनसूबे हैं उसमें जनाब शहबाज शरीफ की ज़ाती दिलचस्पी शामिल होती है मुख्तलिफ ऑपरेशनल हवालों से। दूसरी जानब सरकारी तौर पर यह पावर प्रोजेक्ट वजारत पानी और बिजली देखती है जिसकी सरबराही जनाब ख्वाजा आसिफ के ज़िम्मे है। वज़ीर आज़म से दोनों इंतहाई क़ुर्बत के ताल्लुकात रखते हैं। जनाब ख्वाजा आसिफ उनके इंतहाई करीबी सियासी साथी दस्तराज़ हैं जबकि जनाब शहबाज शरीफ है उनके सियासी मुशीर भी हैं और पंजाब के वज़ीर आला भी और ज़ाहिर के छोटे भाई भी। लेकिन नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किस पे आयद हो, हुकूमत की परेशानी का सामान और इसकी शर्मिंदगी का बाइस कौन बना है, इसके लिए वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कहा था कि वो मुख्तलिफ ऑडिट्स कराएंगे। इंडिपेंडेंट ऑडिट भी उन्होंने कराने का ऐलान किया था और उसके लिए AF फर्गुसन को अपॉइंट किया था। फर्गुसन ने अपनी ऑडिट शुरू कर दी है लेकिन इसका बराह रास्त ताल्लुक ज़्यादातर माली मामलों के हवाले से होगा। लेकिन वज़ीर आज़म का कौम से ये वादा कि इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात करेंगे और इसके लिए उन्होंने जनाब
साबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद का नाम तजवीज़ किया था। जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद ने इससे माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि वो इस जिम्मेदारी अदा करने से कासिर हैं। माहरीन कहते हैं कि इतना गंद है कि जस्टिस नासिर असलम जाहिद ने सोचा कि इसके करीब भी ना जाए। वज़ीर आज़म का कौम से वादा कि जनाब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से इस बात की तहकीकात की जाएगी कि नंदीपुर पावर प्लांट के काम न करने की वजूहात क्या हैं, जबकि इस प्लांट का 23 जुलाई से 6 अगस्त 2015 तक कामयाबी से चलने का टेस्ट भी किया गया था, इसके बाद ये क्यों नहीं चल रहा। कमीशन उन अफराद या इदारों का तायुन करे जो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट से बिजली की मुसलसल पैदावार में ताखीर की वजह बने। ये भी वजीर आजम का कौम से वादा था और अब क्योंकि जस्टिस नासिर असलम जाहिद काम नहीं कर रहे तो ये जो हदफ थे अहदाफ थे कौम से वादे थे, अब ये देखना है कि ये कैसे पूरे किए जाएंगे। वजीर आजम क्या इसके लिए किसी और शख्सियत का इंतखाब करेंगे, वरना जिम्मेदारों का तायुन कैसे होगा, या ये कि ये सब कुछ इस पे मट्टी डाल दी जाएगी और शायद ये हमेशा के लिए किस्सा पारी ना बन जाए, या ये कि आइंदा आने वाली कोई हुकूमत इस मामले में इसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करे। इस सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है बिजनेस उमूर और एनर्जी उमूर के मुमताज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब फरहान बुखारी हमारे साथ मौजूद है। फरहान बुखारी साहब, आप बताइएगा कि नंदीपुर का मामला उलझ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसके जो 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 रीजंस हैं, जो असल कल्प्रिट्स हैं, वो कैसे सामने आएंगे। जस्टिस नासिर असलम जाहिद ने तो माजरत कर ली, आपको लगता है कि जस्टिस जाहिद ने सोचा कि इस गंध से दूर ही रहें। देखिए, जस्टिस नासिर असलम जाहिद की एक बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है हमारे मुल्क की तारीख में, एक बहुत अच्छे मंझे हुए और ईमानदार कानून के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, उनका बतौर जज बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया है तो मामला वाकई ख़राब है, और ख़राबी की एक बड़ी वजह यह है कि ये जितना उलझा हुआ मामला है, इसमें प्राइस एस्केलेशन है, इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, अब ये प्रोजेक्ट ही बैठा हुआ है, जितना उलझा हुआ मामला है उसमें जिस किस्म की टेक्निकल एक्सपर्टीज की आपको ज़रूरत है वो तो सिर्फ एक फर्द वाहिद को अपॉइंट करके और इंक्वायरी ऑर्डर करने से बात नहीं बनती। ये तो बहुत ज़्यादा तय में जाके इस पर काम करने की ज़रूरत है, और ये आज का मामला नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ 6-7 साल पहले इसका नाम सबसे पहले मंजरे आम पे आया था, तब से ये नंदीपुर का सिलसिला चला आ रहा है, और बीच में शहबाज शरीफ साहब ने भी जब पिछली हुकूमत थी तो इस पर बड़ी तनकीद की थी और कहा था कि ये हुकूमत की बड़ी नाकामी है, लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत आ गई है, वो तो भी नाकाम। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी जो प्राइम मिनिस्टर ने कौम से वादा किया है, जैसे नासिर असलम जाहिद तो अब नहीं कर रहे, तो इसके लिए कोई और अच्छी रेपुटेशन वाला शख्सियत सामने आएगी, क्या होगा अभी सिलसिले में, आपको क्या लगता है। देखिए, मैंने जैसे अर्ज की, ये फर्द वाहिद की बात नहीं, आपको एक टीम की जरूरत है। इसमें जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि दो ब्रॉड मेजर इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ आपको इसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स को देखना है, जाहिर है ये प्रोजेक्ट 23 अरब रुपए से शुरू हुआ था और अब इसकी कीमत बिल आखिर दुगने से भी ज्यादा हो गई है, तो सवाल ये है कि गड़बड़ कितनी और कहाँ हुई है। और दूसरी तरफ टेक्निकल इश्यू भी है कि ये चल के ही नहीं देता, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद भी इन्वॉल्व हुए, बड़ी आन बान से इसकी तशहीर भी की गई और फिर प्रोजेक्ट अपनी जगह पे वैसे के वैसे बैठ गया है। आपके ख्याल में हुकूमत संजीदा है, हर सूरत में चाहती है कि जिम्मेदारों का तायुन हो और उनको सजा हो, उनके नाम सामने आए, है हुकूमत सीरियस। देखिए, बदकिस्मती से जो यहाँ पे जो अफवाहें गश्त कर रही हैं इस्लामाबाद में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी, उसमें कुछ रूलिंग पार्टी से मुंसलिक सियासतदानों के भी नाम आए हैं। अगर ये वाकई सही है कि आज के दौर में जो मुल्क में हुकूमत कर रही है जो पार्टी, उनसे मुंसलिक सियासतदान भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये डर, ये खदशा ज़रूर है कि फिर शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो इतनी आसानी से उस किस्म की भरपूर एक तहकीक की सपोर्ट ना करे जिसके नतीजे में हुकूमत के अपने लिए मसाइल बने, सियासी तौर पे मसाइल बने और एक मुश्किल और एक शर्मिंदगी की कैफियत सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नासिर।